सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू टॉपिक नोन एज काइनेमेटिक इक्वेशन. ओके, अब ये काइनेमेटिक इक्वेशन हम लोगों ने जब 9th स्टैंडर्ड में सीखा बेटा, उसमें काइनेमेटिक इक्वेशन हम लोगों ने 3 काइनेमेटिक इक्वेशन सीखे, जिसको हम लोग बोलते थे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस. ये 3 नंबर इक्वेशन देखे. आज एक नया इक्वेशन पढ़ेंगे जो काइनेमेटिक का 4th इक्वेशन बोला जाता है. बेसिकली वो क्या होता है, इक्वेशन से ही बना जाता है, 3 इक्वेशन से ही, और उसको अपन कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन बोल सकते हैं, जो शॉर्टकट मेथड से आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काम आएगा, पहली चीज. दूसरी चीज यह है कि यहां पे जो इक्वेशन हम लोग फॉर्म करेंगे, ये फॉर्मेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारी चीजें क्या होती है, क्लियर होती है. और जो हम लोग फॉर्म करेंगे, 3 इक्वेशन बनाएंगे, उसकी मेथड अलग होगी. वो मेथड होती है कैलकुलस मेथड. वाई बिकॉज हम लोगों ने जब 9th स्टैंडर्ड में ये 3 काइनेमेटिक इक्वेशन को जब हम लोगों ने डेवलप किया, बनाया, डिराइव किया, तो उसके लिए हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल किया था. तो आज हम लोग कैलकुलस, मतलब होता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इस तरह की चीजें इस्तेमाल करेंगे, सॉल्व करेंगे. और हम लोग ये देखेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करने के बाद इससे क्या हमको आगे जाके फायदा होता है. आई बात समझ में? सो सबको पता होना चाहिए 3 काइनेमेटिक इक्वेशन. बोलो बेटा कौन सा? दैट इज वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर एंड वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए एस. ये 3 इक्वेशन हम लोगों ने बिल्कुल रट्टा मार के रखा था. बराबर है? ठीक है. तो अब इसमें सबको ये टर्मिनोलॉजी तो पता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी, फाइनल वेलोसिटी, व्हाट इज यू, इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज एस, डिस्प्लेसमेंट, एंड व्हाट इज ए, एक्सेलरेशन, एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ टी, टाइम. ओके, अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं, इसको कैसे सॉल्व कर दिया जाए. ठीक है, तो हम लोगों ने इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में कुछ चीजें सीखी बेटा. कौन सी वाली? एक्सेलरेशन वाली. बराबर है? एक्सेलरेशन के मैंने आपको कितने इक्वेशंस बनाए? 2 इक्वेशंस बनाए. एक 3, तीसरा बना था, वो ही फर्स्ट इक्वेशन की तरह दिखता था. तो उसमें हमारे 2 इक्वेशंस थे. पहला इक्वेशन था बेटा काइनेमेटिक, इसमें एक्सेलरेशन में ए इज इक्वल टू क्या था बोलो? दैट इज डीवी बाय डीटी. ये एक था, और उसके बाद इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, मतलब डीएस बाय डीएस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद यही इक्वेशन एक्सेलरेशन का बना था बेटा. कितना बोलो? वी इंटू डीवी बाय डीएस, याद होगा, या फिर आप डीएक्स भी लिख सकते हो. अपन डीएस ही यूज करेंगे, क्योंकि काइनेमेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के लिए एस का इस्तेमाल किया. बराबर है? चलो आगे. तो यहां पे हम लोग एक काम करेंगे. तो नंबर 1, यहां पे मैं लिखता हूं ए इज इक्वल टू डीवी बाय डीटी. क्या लिखा मैंने? ए इज इक्वल टू डीवी बाय डीटी. सबको ये पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है और ये आया कहां से. अब इसके ऊपर अपन ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल में क्या किया, चर्चा किया था. बराबर है? अब इसमें देखिएगा, हम लोग एक काम करेंगे, a इंटू dt को उधर लेके जाए, तो ये बना dv और ये बनेगा a इंटू dt. ये समझ में आया? ठीक है. अब दोनों भी साइड का हम लोग करेंगे बेटा इंटीग्रेशन. सो मैं करता हूं इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू dt. ये बात समझ में आई? अब एक हम लोग रियल सिनेरियो की तरफ बढ़ते हैं. मान के चलो हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी रही बेटा u, और ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, और इसकी फाइनल वेलोसिटी बनी कितनी, मान के चलो v. कितनी बनी? v. और ये कितना डिस्टेंस चल रहा है बोलो? s. कितना टाइम लगा इसके लिए? t टाइम लगा है. कितना टाइम? t टाइम. तो मुझे बताइए, जब वेलोसिटी की बात कर रहे तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है. और जब हम लोग इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो यहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, उसके 2 लिमिट्स लगाएंगे बेटा. एक है कौन सा? लोअर लिमिट. क्या रहेगा? इनिशियल लिमिट u और फाइनल वेलोसिटी v. और ये किसका फंक्शन है? एक्सेलरेशन तो है ही, लेकिन किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है. तो इनिशियल टाइम, जब भी प्रोसेस शुरू होती है तब आपका टाइम कितना लिया जाता है? 0. और फाइनल इज टी. हम लोग क्या लिखेंगे? टी. इसका मतलब है कि टी टाइम पे वेलोसिटी कितनी बनी? वी बनी. यहां तक समझ में आया? अब यहां पे जो मैं यहां पे जो प्रोग्राम कर रहा हूं, ऑपरेशन कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना. यहां पे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपका एक्सेलरेशन थ्रू आउट द प्रोसेस कैसा रहेगा? कॉन्स्टेंट. कैसा रहेगा? सर एक बार फिर से बताइए, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या? जिसमें आपकी वेलोसिटी चेंज हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन बनेगा. मैंने ऐसे बोला कि यहां पे एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. तो थ्रू आउट द प्रोसेस आपकी एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो उसमें कितना एक्सेलरेशन डेवलप होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. इसका मतलब यह है कि वो जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है थ्रू आउट द प्रोसेस? कॉन्स्टेंट है. कैसा है? फॉर अ सर्टन हाइट. बराबर है? एकदम. फिर हाइट बढ़ाते जाएंगे तो फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज होती जाएंगी, हम लोग ग्रेविटी में पढ़ेंगे. क्लियर है? लेकिन अब ये एक्सेलरेशन कैसा रहा? कांस्टेंट रहा.
तो इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी थी बेटा, अगर एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ वेलोसिटी और फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो एक्सेलरेशन कैसा होता है? वेरिएबल होता है. कैसा होता है? तो यहां पे वेरिएबल है क्या? नहीं है. तो हम लोग थ्रू आउट द प्रोसेस हमारा एक्सेलरेशन कैसा रहेगा? कॉन्स्टेंट रहेगा. तो इंटीग्रेशन के बाहर क्या निकलता है बेटा, बोलो? कॉन्स्टेंट निकल जाता है. अंदर कौन बचा है? डीटी. और डीटी का इंटीग्रेशन होता है बच्चों क्या? टी. और इसका लिमिट क्या है? नीचे का जीरो, ऊपर का लिमिट टी. बोलते चलिए, बराबर है. उसके बाद डीवी का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, बोलो? वी. ऊपर का लिमिट वी रहा, नीचे का लिमिट यू रहा. यहां तक समझ में आया? ओके बेटा, चलो अब इसमें क्या करेंगे बोलो फटाक से. यहां पे क्या पुट करेंगे? ऊपर लिमिट दैट इज वी माइनस नीचे का लिमिट यू इज इक्वल टू ए इंटू एक बार टी माइनस यू इज टी. सो देयरफॉर वी इज इक्वल टू ए टी माइनस यू, उधर जाएगा प्लस यू. तो मैंने क्या लिखना है बोलो? यू प्लस ए टी. तो ये बना हमारा कौन सा इक्वेशन? काइनेमेटिक का फर्स्ट इक्वेशन बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन, इट मींस कैलकुलस मेथड. आई बात समझ में? लेकिन एक बात भूलनी नहीं है कि ये जो काइनेमेटिक इक्वेशन बना है इसमें आपका एक्सेलरेशन कैसा रहेगा? कॉन्स्टेंट लेके चलना है. मतलब जब जब आपके दिमाग में इस तरह का इक्वेशन पुट करने का या फिर यूज करने की अपन बारी आए, तो याद रखना है यहां पे एक्सेलरेशन कैसा है. तो एक्सेलरेशन वेरिएबल हो तो क्या होगा, इसके बारे में बाद में हम लोग चर्चा करेंगे. पहले तो हम लोग इक्वेशन बना लेंगे, क्लियर है. उसके बाद सेकेंड केस आता है बेटा, यहां पर ध्यान देना. आगे अब हमको निकालना है सेकेंड इक्वेशन कौन सा होता है. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. ओके, अब देखो इसमें कैसे करेंगे. अब यहां पे एक्सेलरेशन दिख रहा है, टाइम दिख रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी दिख रहा है, तो काइनेमेटिक का कौन सा इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन? तो मैं इसमें वी इज इक्वल टू व्हाट इज द वेलोसिटी डी एस बाय डी टी क्या लिखता हूं? चलेगा, क्योंकि यहां पर क्या दिख रहा है? वेलोसिटी भी दिख रही है, टाइम भी दिख रहा है और एस भी दिख रहा है. दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ठीक है सर, ओके. आगे बोलो, तो इसको अपन क्या करेंगे? dt को इधर लेके जाओ, ds को रख दो, तो क्या बनेगा? ds इज इक्वल टू v इंटू डी टी. ठीक है, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी इज वेलोसिटी, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. क्या ये हमारी प्रोसेस दो यहां पे a पॉइंट और b पॉइंट के लिए दिख रहा है का? किसके लिए? a और b के लिए. इसका मतलब ये v जो दिख रहा है दैट इज फाइनल वेलोसिटी. इस फाइनल वेलोसिटी में क्या u प्लस ए टी का इस्तेमाल कर सकता हूं? अरे हा या ना? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा दैट इज ds इज इक्वल टू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ v, बोलो? u प्लस ए टी इंटू. यहां तक समझ में आया बेटा? दोनों भी साइड का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन. क्या करेंगे? तो ही जाके हमको ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? s मिलेगा. ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो? हाँ, u प्लस ए टी इंटू डी टी. बताओ डिस्प्लेसमेंट, जब आपकी प्रोसेस शुरू हुई तब डिस्प्लेसमेंट कितना? जीरो. और जब खत्म हुआ तब डिस्प्लेसमेंट कितना? एस. ये लिमिट सबको पुट करने आता है सबको? अरे हा या ना? बहुत बढ़िया. अब देखो ये किसका फंक्शन है? टाइम का है, तो इनिशियल टाइम कितना लेंगे, फाइनल कितना लेंगे? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े. ओके सर, तो बोलो डीएस का इंटीग्रेशन एस, लिमिट क्या पुट करेंगे? जीरो और एस इक्वल टू, बोलो? एडिशन मेथड, एक बार यू इंटू डीटी का इंटीग्रेशन करेंगे, एक बार ए टी इंटू डीटी का करेंगे. चलेगा? तो बेटा यहां पे मैं इंटीग्रेशन सेपरेट लिख लेता हूं, लगे तो बोलो. जीरो से लेके टी यू इंटू डी टी प्लस जीरो से लेके टी इंटू ए टी इंटू डी टी. चलेगा? सेपरेट सेपरेट लिखा मैंने. अरे समझ में आ रही है बात? अरे हा या ना? ओके चलो, एस में वैल्यू पुट करो, एस माइनस जीरो इज एस, छोड़ दीजिए. बोलो यू हमारा क्या है? यू हमारी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी. तो इनिशियल तो है, जो है वो कॉन्स्टेंट ही रहेगी ना, जो गिवन में रहेगा वो तो कॉन्स्टेंट ही रहेगी. तो यू हमारी कहां पर निकली? बाहर निकली. क्या बचा बेटा? बोलो टी. डी टी का इंटीग्रेशन, लिमिट पुट करो नीचे ऊपर. बहुत बढ़िया. यहां पे कौन कांस्टेंट दिख रहा है? कौन कांस्टेंट दिख रहा है? ए टी दिख रहा है या ए दिख रहा है? तो ए निकलेगा बाहर. और टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एफ क्या बनता है? यहां के ऊपर एन अगर हो तो एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन. डिफरेंशिएशन होता तो क्या लिखते हम लोग? एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन. सबको याद है? तो बेटा बोलो टी का ऊपर कितना है? वन, तो क्या बना? टी टू दी पावर टू बाय, लिमिट क्या पुट करेंगे? नीचे ऊपर. बहुत बढ़िया, जो होशियार लोग हैं वो रिस्पॉन्स देते जा रहे हैं. ठीक है, थीके? बोलो एक बार टी पुट करे, एक बार जीरो किए तो क्या बना? यू इंटू टी प्लस वन बाय टू, जैसे के वैसा रहा है. देखो नीचे टू है, वन बाय ए इंटू ए जैसे के. हाँ, एक बार टी स्क्वेयर माइनस एक बार जीरो स्क्वायर इज ओनली टी स्क्वायर. आया? तो बेटा इक्वेशन क्या बना हमारा? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बन गया इक्वेशन. इसी को काइनेमेटिक का कौन सा इक्वेशन बोलेंगे? सेकंड इक्वेशन. बहुत बढ़िया, आगे बढ़े. तो
तो इक्वेशन नंबर हमको कितना है, कौन सा निकालना है? थर्ड इक्वेशन, कौन सा? थर्ड में देखो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस बनाना है या नहीं है? तो कौन सा हम लोग एक काम करेंगे, फिर से एक बार एक काम कर सकते हैं, एक्सेलरेशन दिख रहा है मतलब एक्सेलरेशन वाला इक्वेशन यूज कर सकते, दैट इज ए इज इक्वल टू, ठीक है? अब देखो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं, वी इंटू डीवी बाय डी एस, चलेगा? ये इक्वेशन मैंने बताया नहीं बताया, सिखाया नहीं सिखाया? तो a इज इक्वल टू वी इंटू डीवी बाय डी एस, तो क्या करे बच्चा बोल? यहां पे हम लोग v और v को एक साइड में रखेंगे, ds वाले को एक साइड में लेके जाएंगे, तो क्या बना यहां पे? v इंटू डीवी इज इक्वल टू ds, इधर जाएगा क्या बनेगा? a इंटू ds, चलेगा? दोनों भी साइड का क्या करे, करो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डीवी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू ds। अब तो यहां पे किसका फंक्शन है? वेलोसिटी का। ये किसका फंक्शन है? डिस्प्लेसमेंट का। बहुत बढ़िया, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है? ds, बराबर है पीछे वाले, ठीक है? बोलो यहां पे नीचे कौन सा वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी, तो कौन सी लिखनी पड़ी? u, क्योंकि फाइनल थोड़ी जीरो थोड़ी है, कुछ भी हो सकती है। बाद में हमको अगर क्वेश्चन में दिया हो कि बेटा हाँ ऑब्जेक्ट हमारा निकल रहा है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कहां पे है, कितनी है? जीरो है, तब जाके हम लोग जीरो बनाएंगे, बराबर है? फाइनल भी जीरो हो सकती है अगर किसी ने ब्रेक लगाया तो। सो यू फाइनल वेलोसिटी कितनी? वी, ओके। इसमें बताइए इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो, फाइनल डिस्प्लेसमेंट एस, चलो निकालो यहां पे। बोलो फिर से, वी इंटू डीवी, वी इंटू डीवी क्या बनेगा? वी स्क्वेयर बाय टू, यही वाला रूल लगेगा इंटीग्रेशन के लिए। जो लोग नए हैं जिनको इंटीग्रेशन पता नहीं उन्होंने याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन इंटू डीएक्स अगर हो तो पावर में एक क्या होगा, एड होगा, डिवाइड बाय जो भी पावर ऊपर लिखा है वो पावर नीचे आ जाएगा, क्लियर है? तो बोलो बेटा ऊपर क्या था? वन था, तो वन का पावर वन प्लस वन टू, नीचे भी क्या आएगा? टू। बहुत बढ़िया। लिमिट बताइए v, नीचे का लिमिट u, इक्वल टू बताइए यहां पे कांस्टेंट कौन दिख रहा है? अरे कौन दिख रहा है? तो एक्सेलरेशन क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। क्या बचेगा बेटा बोल? वन इंटू डीएस, वन इंटू डीएस मतलब सिर्फ ds का इंटीग्रेशन इज s, ऊपर का लिमिट s, नीचे का लिमिट जीरो। बहुत बढ़िया, वन बाय टू साइड में लिख लो, किसी को कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अब बचा कौन है? वी, ऊपर का लिमिट पुट करेंगे v स्क्वायर बाय v स्क्वायर मतलब v स्क्वायर बराबर v स्क्वायर माइनस एक बार नीचे का लिमिट u स्क्वायर। बहुत बढ़िया, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है? a इनटू एक बार s एक बार जीरो मतलब सिर्फ as। बहुत बढ़िया, चलो आगे। तो इसको कैसे लिखेंगे? 1 बाय टू उधर गया, क्या बनेगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जाएगा, ट्वाइस as। इसका मतलब ये कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर उधर जाएगा, u स्क्वायर प्लस twice as। इस तरह से हमारा कौन सा इक्वेशन बना? इक्वेशन थर्ड, यही हमारा काइनेमेटिक का थर्ड इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आया है। अगर आपको बोर्ड में लिखना हो, ये बेसिकली आपको थोड़ी एंट्रेंस में पूछा जाता है लिख के दिखाइए, तो ये पूछा कहां पे जाएगा? बोर्ड में पूछा जाएगा कि बना के दिखाइए। तो बनाना क्या है? एक ही चीज याद रखना है, कौन सा? हम लोगों ने कितने इक्वेशन सीखे? वी इज इक्वल टू डी एस बाय डी टी, बराबर है? ए इज इक्वल टू डीवी बाय डी टी, ए इज इक्वल टू वी इंटू डीवी बाय डी एस। फर्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए कौन सा वाला इस्तेमाल करेंगे? ये वाला, सेकंड वाला। सेकंड वाला इक्वेशन बनाने के लिए कौन सा वाला? फर्स्ट वाला। और थर्ड इक्वेशन बनाने के लिए थर्ड वाला। आई बात समझ में? बस यहां पे याद रखना है, जब आप लोग v इज इक्वल टू डी एस बाय डी टी यूज करोगे तो ये जो v आएगा उसमें फर्स्ट इक्वेशन क्या करना है? पुट करना है, तभी जाके a वाला टर्म इंट्रोड्यूस होता है। a वाला टर्म इंट्रोड्यूस होगा तभी जाके आपका फॉर्मूला या फिर आप बनेगा। क्योंकि अगर आपको आप भूल भी गए, याद रखना जब आप इसको इक्वेशन को डेवलप करने जाओ तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो वी इंटीग्रेट वी इंटू डी टी क्या होगा? कुछ भी नहीं होता है। तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है क्या हमारी? नहीं है। वेलोसिटी कैसी है? वेरिएबल है। किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है? टाइम। जिसके वजह से v के जगह पे क्या पुट करना है हमको? u प्लस at। भाई बात समझ में? तो ये इक्वेशन हम लोग इस तरह से बनाए। अब आता है यहां पे थर्ड इक्वेशन, दैट इज काइनेमेटिक का फोर्थ इक्वेशन। तो सर ये फर्स्ट है हमारा, ये सेकंड है हमारा, और ये थर्ड, ठीक है? अब याद रखना है ये जो फोर्थ नंबर का इक्वेशन है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन है, और कहां पर इस्तेमाल किया जाता है इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। देख लीजिएगा, मान के चलो बेटा कि यहां से एक ऑब्जेक्ट मान के चलो इधर जा रहा है इस पोजीशन पे, ठीक है? इस डायरेक्शन पे जा रहा है। यहां पे ये कांस्टेंट वेलोसिटी से तो नहीं जा रहा होगा, इसमें वेलोसिटी क्या हो रही है? वेरिएबल है। इसका मतलब एक बॉडी कौन सी है? एक्सेलरेटेड मोशन है। बात समझ में आई? पहले सेकंड में ऑब्जेक्ट यहां तक जाता है, सेकंड वाले सेकंड में यहां तक गया, थर्ड वाले सेकंड में यहां तक गया, फोर्थ वाले सेकंड में यहां तक गया। अब डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब आपको एक बात तो क्लियर हो गई, कौन सी?
इसकी सर इनिशियल वेलोसिटी यू होगी और फाइनल कौन सी होगी वी होगी, और आपकी हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी कैसी हो रही है, चेंज हो रही है, इसका मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन हुआ। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, पहले सेकंड में जीरो सेकंड में यहां पे था, फर्स्ट सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, थर्ड सेकंड एंड फोर्थ सेकंड। ठीक है, अब मुझे बताइए सेकंड वाले सेकंड में, बराबर है, सेकंड वाले सेकंड में आपका ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस जा रहा है यहां तक, ये थर्ड वाला सेकंड हुआ, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, यहां पे ऐसे लिखेंगे हम लोग इस तरह से, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, क्या दिखता है, क्या समझ में आ रहा है, फोर्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस चल रहा है, ज्यादा, वही अगर मैं इसको कंपेयर करूं सेकंड वाले के साथ तो कितना, कम। तो अगर मैं आपको पूछता हूं डायरेक्टली फोर्थ नंबर वाले सेकंड में कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट चलता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यह निकालना पड़ेगा कि फोर सेकंड में टोटल टाइम कितना, फोर सेकंड में आपका ऑब्जेक्ट कितना चला। उसके बाद क्या निकालोगे, कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करोगे, काइनेमेटिक का सेकंड इक्वेशन, आई बात समझ में। उसके बाद क्या करोगे, तीन सेकंड में कितना चला, तीन सेकंड में कितना चला, मान के चलो कि तीन सेकंड में ही चलता है आसपास 12 मीटर और चार सेकंड में ही आसपास चलता है मान के चलो 22 मीटर, तो आपका ये फोर्थ लास्ट वाले फोर्थ सेकंड में कितना चलता है, कितना चला, 10 मीटर। ये बात समझ में आई। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं बेटा ये बताओ थर्ड वाले सेकंड में कितना चलता है, तो आपको क्या करोगे, थर्ड वाले सेकंड में आपको डिस्टेंस निकालोगे बाय यूजिंग द इक्वेशन एस इज इक्वल टू यूटी प्लस आठ हाफ एटी स्क्वायर। उसके बाद सेकंड मतलब दो सेकंड के लिए कितना होगा, आपको पता चला ये 2 मीटर 8 मीटर, तो आपको पता चलेगा कि थर्ड सेकंड में कितना चलेगा, 4 मीटर। तो आपको कितने बार s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इस्तेमाल करना पड़ेगा, दो बार, बाद में क्या करोगे माइनस, तब जाके आंसर आएगा। लेकिन हमारे पास एक क्या है, ट्रिक है, इस ट्रिक के आधार पर हम लोग डायरेक्टली किसी भी फोर्थ सेकंड, ट्वेल्थ सेकंड, नाइन्थ सेकंड, कोई भी सेकंड में हम लोग उसका क्या कर सकते हैं, बोलो, डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसी को हम लोग बोल सकते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फोर्थ इक्वेशन, आई बात समझ में। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको पूछा कि बेटा बता फोर्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस चला, तो आप क्या करोगे, सिर्फ एक ही वैल्यू पुट करोगे, वो रहेगा फोर। बात समझ में आई, तो यही रहेगा हमारे लिए ट्रिक। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना क्या बोलना चाहता हूं, कैसे इसको बनाएंगे, पहले तो बनाने का सीखेंगे उसके बाद उसका इस्तेमाल सीखेंगे, क्लियर है। चलो अब देखो यहां पे काइनेमेटिक का मैं यहां पे सेकेंड इक्वेशन का इस्तेमाल करता, कौन सा था बेटा हमारा, बोलो, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस, ये कैसा बनाया गया था, वी इज इक्वल टू डीएस बाय डीटी, बराबर है। ठीक है, अब मैं ऐसे लिखता हूं दैट वी इज इक्वल टू डीएस बाय डीटी, इसका मतलब कैसा बनाइए, डीएस इज इक्वल टू, बोलो, वी इंटू डीटी, बराबर है, v into dt। सो देयरफॉर v में क्या पुट करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन, सो देयरफॉर वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू ऑफ v इज हाउ मच, u प्लस at into dt। अब सुन लो अच्छे से, ध्यान से सुनना, मैंने पूछा आपको फोर्थ सेकंड में कितना चला डिस्टेंस, तो आप एक्चुअल में उसके बैकएंड में क्या कर रहे हो, बैकएंड इन द सेंस उसके पर्दे के पीछे आपका क्या कैलकुलेशन चलता है, तीन सेकंड तक कितना डिस्टेंस चला, और उसके बाद चार सेकंड में कितना डिस्टेंस चला, और दोनों का क्या करोगे, माइनस करोगे। तो लिमिट में यहां पे जब पुट करना चाहूंगा टाइम का, तो आपका एंथ टाइम पे मतलब फोर्थ नंबर वाले टाइम पे, और उसके पहले वाला टाइम मतलब कितना हुआ, कितना, थर्ड, मतलब क्या मैं ऐसे लिखू एन माइनस वन, ये अगर एन हो तो ये एन माइनस वन होगा थर्ड वाला। सिमिलरली डिस्टेंस के बारे में अगर बात करेंगे, तो मैं बोला फोर्थ नंबर वाले टाइम पे कितना डिस्टेंस चलेगा, तो आप क्या करोगे, ये अगर टोटल s हो तो उसका प्रीवियस वाला क्या करोगे, थर्ड वाला माइनस करोगे, मतलब कितना s माइनस वन, तो इसका लोअर लिमिट कितना बनेगा बेटा, s माइनस वन, और ये क्या बनेगा s। आई बात समझ में, ठीक। अब देखो आगे, तो सबको पता है ds का इंटीग्रेशन कितना बेटा s, ऊपर लिमिट क्या होगा बोलो s, नीचे का लिमिट s माइनस, ठीक है चलो s माइनस वन, ओके, इक्वल टू यहां पे बोलो u इंटू डी टी, यू इंटू डी टी का इंटीग्रेशन u इंटू टी, अपर लिमिट क्या पुट करोगे बेटा n, नीचे का लिमिट n माइनस वन, बहुत बढ़िया। उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे, फिर ए टी इंटू डी टी, ए का निकला क्या a, t इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या बनेगा t स्क्वेयर बाय टू, लिमिट क्या पुट करोगे, नीचे का n माइनस वन ऊपर का n, ठीक है। हाँ, एक बार यहां पे हम लोग पुट करेंगे s माइनस, एक बार s माइनस वन, ठीक है, ओके, इसको ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग, ठीक है।
अब यहां पे ऊपर का लिमिट पुट करो, कौन था फंक्शन यहां पे, टाइम था, कौन था, तो टी के जगह पे एक बार एन पुट करेंगे तो क्या बनेगा आपका, बोलो, यू इंटू एन बराबर है माइनस, एक बार एन माइनस वन पुट करेंगे मतलब यू इंटू एन माइनस वन, बहुत बढ़िया, प्लस वन बाय टू बाहर निकाल लेते हैं, मैं इसको ए बाय टू करके लिख लेता हूं, देखो वन बाय टू था कॉन्स्टेंट है बाहर निकला, अंदर कौन बचा है टी स्क्वेयर, तो टी के जगह पे एक बार एन पुट करो तो क्या बनेगा, एन स्क्वेयर माइनस एक बार एन माइनस वन होल स्क्वेयर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे, अब सुन लो, ये था फोर्थ वाला डिस्टेंस टोटल, उससे हम लोगों ने कितना माइनस किया, थर्ड, बराबर है, तो क्या मैं इस पूरे टर्म को एस एंथ वाला बोल सकता हूं, ये रहा थर्ड वाला और ये रहा फोर्थ वाला, तो थर्ड वाला माइनस करोगे तो बचा क्या, फोर्थ वाला, बराबर है, ये देखो ऐसे निकला था हम लोगों ने, ये पूरा का पूरा कौन सा डिस्टेंस, ये मान के चलो थर्ड है, ये कौन है सेकेंड है, ये कौन है फर्स्ट, मुझे को थर्ड वाला निकालना, तो आपने क्या किया, टोटल कितना लिया, ये कौन था हमारा एस, और उससे कौन किया प्रीवियस वाला माइनस मतलब एस माइनस वन, तो बचा जो है यही हमारा क्या होगा, एस एंथ बोल सकते, तो ये पूरा टर्म क्या दिख रहा है, एस माइनस वन मतलब कौन है, एस एंथ, क्या बोल सकते हम लोग, एस एंथ, यहां तक समझ में आया, बहुत बढ़िया, इक्वस टू, इसको सॉल्व करेंगे बेटा, बोलो यू इंटू एन माइनस यू इंटू एन माइनस माइनस प्लस वन, बहुत बढ़िया, इसको भी सॉल्व कर लेंगे बेटा, बोलो प्लस ए बाय टू इन ब्रैकेट एन स्क्वेयर, क्या ये एन स्क्वेयर, इसको बोलो क्या लिखेंगे, माइनस ए माइनस बी होल स्क्वेयर, दैट इज एन स्क्वेयर, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि माइनस दिया आ गया एन स्क्वेयर, हां माइनस ट्वाइस एन इंटू वन उसके बाद प्लस वन, ओके ओके, वन स्क्वायर इज वन, हा ठीक है, चलो बोलो आगे, दैट इज यू इंटू एन माइनस यू इंटू एन प्लस वन प्लस, हाँ इससे मल्टीप्लाई करते चलिए या फिर डायरेक्टली अपन लिख सकते, बोलो ए बाय टू इंटू एन स्क्वायर इज एन स्क्वायर, ठीक है, चलो माइनस अपन एक काम करेंगे सेपरेटली लिखेंगे इसको, ठीक है, ए बाय टू बोलो ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ट्वाइस एन माइनस फिर माइनस वन, आया समझ में, अब हम लोग कट करेंगे बेटा जो चीजें आपको दिख रहे हैं प्लस और माइनस में, तो एसेंथ का क्या बना, बोलो एसेंथ इज इक्वल टू बना है यू एन माइनस यू एन गेट, कितना बचा है वन, ओके वन, हाँ प्लस यहां का कौन कैंसिल हुआ एन स्क्वेयर तो क्या बचा ट्वाइस एन माइनस वन, तो क्या मैं ऐसे लिखू ए बाय टू इन ब्रैकेट क्या होगा ट्वाइस एन माइनस वन, यहां तक समझ में आया, ठीक है, और एक चीज यहां पे बचती है कौन सी, अरे u इंटू वन इज दैट इज u, तो यहां पे क्या बनेगा u, तो ये कहां पे क्या क्या रहेगा यहां पे u, तो ये बना आपका कौन s nth वाला डिस्टेंस, आई बात समझ में, तो यही है हमारा कौन सा काइनेमेटिक का कौन सा इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन, आई बात समझ में, अब सुन लो यहां पे क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, अगर आपको मैंने पूछा नाइन्थ सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलता है उनसे इसमें नाइन्थ सेकेंड में, तो मैंने आपको क्या पूछा है नाइन्थ सेकेंड का डिस्टेंस, तो आपको क्या दिया मैंने एन दिया है, बस आपको कौन सी चीज पता होनी चाहिए, दो चीजें पता होनी चाहिए, कौन सी, उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी और उसका क्या एक्सेलरेशन, ऑटोमेटिकली उसका अल्गोरिदम उसका इक्वेशन वो क्या करेगा सब कुछ सॉल्व करके आपको फटाक से आंसर दे देगा, ये बनाया ही ऐसा गया है कि बस आपको दो क्वांटिटी पता होनी चाहिए, एक है इनिशियल वेलोसिटी और एक है एक्सेलरेशन, बस आपका कौन से टाइम पे डिस्टेंस चाहिए वो सिर्फ फैक्टर डाल दीजिए, मतलब कौन एन, मैंने बोला 13 सेकंड पे, मैंने बोला 11th सेकंड पे, तो आपके एन की वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है, आई बात समझ में, यहां तक समझ में आया, आई होप आपको काइनेमेटिक इक्वेशन कैसे बनाए जाते हैं कैसे इसको लिखे जाते हैं वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है, अब हम इसके ऊपर बनाएंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, चलो सो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, नीट 2020 में पूछा गया बेटा, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉवर, इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विथ अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड द हाइट ऑफ द टॉवर, अब देखो यहां पे किसी ने ऊपर से टॉवर से ऑब्जेक्ट को नीचे के डायरेक्शन पे फेंका और ये हिट हो रहा है,
जब फेंका गया था तब इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी बेटा कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड, और जब हीट होता है तब उसकी वेलोसिटी दैट इज वी इज इक्वल टू 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहां पे दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, और यहां पे और कुछ चीजें दी है बोलो, कुछ भी नहीं है। आफ्टर सम टाइम, मतलब टाइम तो दिया नहीं है, तो आपको पूछा गया है क्या, एच निकालो, ठीक है। अब जो काइनेमेटिक इक्वेशन है, यही काइनेमेटिक इक्वेशन आपके मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए लगेंगे, लेकिन हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी के कंसेप्ट और उसके ऊपर के क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे ही, लेकिन अब हालांकि इसके ऊपर पूछा गया तो हम लोग इसको कोरिलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन सीखे बेटा कौन सा, दैट इज वी इज इक्व टू यू प्लस एटी, तो इसमें भी क्या लगेगा, वी इज इक्व टू यू प्लस जी टी लगेगा, बराबर है। सेकेंड इक्वेशन क्या सीखा, एस इज इक्व टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तो हम लोग बोल सकते हैं एस के जगह पे एच आएगा, यू टी प्लस हाफ ए के जगह पे आएगा जी टी स्क्वेयर। सिमिलरली हम लोग थर्ड इक्वेशन पढ़ते हैं, वी इज इक्व टू वी स्क्वेयर इज इक्व टू वी स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए एस, तो ये इक्वेशन बनता है कितना, वी स्क्वेयर इज इक्व टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस जी एच, ठीक है। तो जो काइनेमेटिक इक्वेशन हम लोगों ने होरिजेंटल में मतलब स्ट्रेट लाइन में लिखा था, वही हम लोग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वाले मोशन के लिए भी लगा सकते हैं, और इसके ऊपर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे आगे जाके। अब बताइए क्या आपको पूछा गया बेटा बोलो, हाइट निकालनी है तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे। अब टाइम तो दिया नहीं है, टाइम दिया नहीं है, इनिशियल और फाइनल यहां पे देख के बताइए, फर्स्ट लगेगा सेकंड लगेगा थर्ड लगेगा, फर्स्ट लगेगा, चलो फर्स्ट लगेगा तो टाइम क्या डालोगे, तो कौन सा लगेगा, थर्ड लगेगा, ये रहेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो वैल्यूज आपके पास दी है वो हम लोग पुट अप करेंगे। वी स्क्वायर के जगह पे आएगा आपका 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज 20 का स्क्वायर 2 इनटू जी की वैल्यू रही प्लस 10। अगर आपकी बॉडी नीचे के डायरेक्शन पे आ रही हो इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन कैसा लेना है, पॉजिटिव, और ऊपर जा रही हो और आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो क्या लेना है, नेगेटिव, ठीक है। तो दिस इज 10 और एच की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो 80 का स्क्वायर कितना बनेगा 6400, ये माइनस करेंगे 20 का स्क्वायर कितना, कितना 400 इज इक्वल टू दैट इज 20 इनटू एच, तो ये कितना बना 6000 डिवाइडेड बाय 20 इधर आएगा इक्वल टू एच, जीरो से जीरो कैंसल, कितना बनेगा 600 बाय 2 इज एच की वैल्यू बने कितनी 300 मीटर, ये रहेगा आपका आंसर, और आंसर है आपका डी, नीट 2020 का क्वेश्चन है, आई बात समझ में। चलो आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहां पे अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, ओके, इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये दिया है यू की वैल्यू दी है कितनी 10 मीटर पर सेकेंड और वी की वैल्यू दी है 20 मीटर पर सेकेंड वाइल पासिंग थ्रू ए डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया बेटा कितना एस इज इक्वल टू 135 मीटर इन टी सेकेंड, तो वैल्यू निकालनी है आपको किसकी, टी की वैल्यू निकालनी है। अब जब आप गिवन डेटा लिख लिए तो आपके पास देखो एस दिया है, यू दिया है, वी दिया है, टी निकालना है, और आपको कुछ बाकी चीजें तो दी नहीं है, तो कैसे करेंगे, कौन सा इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट से फर्स्ट इस्तेमाल करेंगे तो ए नहीं है हमारे पास, बराबर है, सेकंड इस्तेमाल करेंगे तो सेकंड में देखो उसमें भी क्या नहीं है, ए नहीं है, थर्ड इस्तेमाल करेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, हाँ उसमें क्या नहीं है, टी नहीं है, तो टी तो निकालना है, लेकिन हम लोग यहां पे बच्चों याद रखना है आपके पास एक्सेलरेशन है ही नहीं, और हमको पता है कि ये बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रही है, और याद रखना है काइनेमेटिक के तीनों भी इक्वेशन में आपका ए आता ही आता है। यदि आपके पास ए दिया नहीं हो तो सबसे पहली चीज, अगर आपको ए के अलावा कोई दूसरी क्वांटिटी निकालने को पूछा है या फिर पूछा गया है तो याद रखना है आपको पहले क्या निकालना है, ए निकाल के रख देना है। तो यहां से हम लोग ए निकाल सकते हैं, कौन सा इस्तेमाल करके, थर्ड इक्वेशन, क्योंकि टी तो है ही नहीं, तो थर्ड इक्वेशन मतलब कौन सा रहा, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए एस, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, दैट इज 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस की वैल्यू रही कितनी 135, तो ये बनेगा कितना आपका 400, ये माइनस होगा 100 इक्वल टू 135 इंटू 2 इज हाउ मच, कितना बनेगा 270, ओके ये बना 270 इंटू ए, तो 400 माइनस 100 इज हाउ मच, तो आपका बना ये 300, दैट इज ए इज इक्वल टू 300 और 270 जाएगा नीचे 300 के, ये बना 270, जीरो से जीरो कैंसल, तो आपका बनेगा 3 10 3 9, तो आपका बना ए की वैल्यू बनी 10/9। अब आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी इस्तेमाल करो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग फर्स्ट इस्तेमाल करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बेटा बोलो हमारा,
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. अब तो बिल्कुल इजी होगी चीज. सो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी. तो a की वैल्यू कितनी, v माइनस यू बाय सॉरी t इज इक्वल टू v माइनस यू बाय a. तो v की वैल्यू कितनी है, 20 माइनस 10, a की वैल्यू बनी 10 बाय 9. 20 माइनस 10 10, 10 बाय 10 कैंसल, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ गया कितना 9, और आंसर आपके पास 9 है, आंसर रहेगा आपका b. तो एक आप ट्रिक सीख लिए कौन से, अगर काइनेमेटिक का इस्तेमाल करना है तो सबसे पहली चीज क्या निकालनी पड़ेगी, एक्सेलरेशन. दिया हो तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. अगर नहीं दिया हो और आपको एक्सेलरेशन के अलावा कोई दूसरी क्वांटिटी पूछा जाए तो याद रखना हमेशा पहले एक्सेलरेशन निकालना, क्योंकि काइनेमेटिक के तीनों इक्वेशन में क्या है, एक्सेलरेशन है, ये दिमाग में फिट करके रखना है. क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़े. तो ये कब का क्वेश्चन है, AIPMT 2008 का क्वेश्चन है. अब हम लोग देखेंगे AIEEE 2009 और उसके बाद CBSE PMT 2010 और वही क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था. ठीक है, अ पार्टिकल हैज एन इनिशियल वेलोसिटी दी है, मतलब क्या u की वैल्यू दी है बेटा कितनी है 3i कैप प्लस 4j कैप एंड एक्सेलरेशन मतलब a की वैल्यू दी है दैट इज 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप. इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकंड, टाइम दिया है t इज इक्वल टू 10 सेकंड और आपको पूछा है स्पीड निकालो, मतलब कौन सी फाइनल वाली, 10 सेकंड के बाद मतलब कौन सी फाइनल. तो हम लोग कौन सा इस्तेमाल करेंगे, v दिया, u दिया है, a दिया है, t दिया है, v निकालने को पूछा है, कौन सा फर्स्ट निकाल सकते, बोल सकते. तो फर्स्ट वाला इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अब वैल्यू पुट अप करते चलिए बेटा, u की वैल्यू कितनी 3i कैप प्लस 4j कैप ये रहा, प्लस a की वैल्यू कितनी है 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप इनटू t की वैल्यू कितनी 10, बराबर है. तो 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये बना आपका 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4i कैप प्लस, बहुत बढ़िया. अब सबको एडिशन आता है बेटा, अब एडिशन आता है तो फटाफट बोलते चलिए, एडिशन क्या होगा आपका, i का i के साथ और j का j के साथ एडिशन होता है, तो कितना बना 7i कैप प्लस 3j कैप, ये बना आपका कौन, सॉरी 7j कैप, ये बना आपका कौन वेलोसिटी दैट इज v बार, क्योंकि हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में निकाले हैं. ठीक है, अब आपको दिया है कौन से फॉर्मेट में, मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में, मतलब इसका क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड. सबको मैग्नीट्यूड निकालने आता है, मॉड ऑफ v बार इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, अंडर रूट ऑफ, बराबर है, rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर. मैंने सिखाया आपको वेक्टर में, याद होगा, दैट इज 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, कितने बार स्क्वायर किए हम लोगों ने, दो बार, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर बाहर निकला 7 बना, तो क्या बनेगा 7 और बचा है अंदर 2, ये समझ में आया सबको. तो कितना, कौन सा आंसर है हमारा, 7√2, दैट इज बी आंसर. आ रही बात समझ में, कितना इजी है ना, मजा आ रहा है. ठीक है बेटा आगे चलो, अब देखो ये थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह का देखो क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है, बुलेट फायर्ड इनटू फिक्स्ड टारगेट. अब देखो ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, मतलब आपको समझने के लिए, मतलब कुछ ज्यादा तो हार्ड नहीं है लेकिन ट्रिकी है. अ बुलेट फायर्ड इनटू अ फिक्स्ड टारगेट लॉसेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर. अब देखो ध्यान देना, एक बुलेट है, ये रही हमारी बुलेट और ये बुलेट फायर हुई और एक किसके अंदर पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर, एक बॉक्स के अंदर, मान के चलो किसके अंदर जा रही है, बॉक्स के अंदर. अब जब इसके पास इनिशियल वेलोसिटी यू है, कितनी है u, कितने अंदर गई बेटा 3 सेंटीमीटर, कितनी गई, तो ये कितना डिस्टेंस रहा 3 सेंटीमीटर. यहां पे जाने के बाद 3 सेंटीमीटर पे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी कितने से लॉस हुई, हाफ से, मतलब अब यहां पे उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी बची है, u बाय 2 बची है, कितनी बची है u बाय 2 आफ्टर पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर. हाउ मच फर्दर इट विल पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट. अब इसके बाद फिर से वो अंदर जाएगी क्योंकि उसके पास अभी भी वेलोसिटी कितनी बची है u बाय 2 और आगे जा जाके अब यहां पे अपने काम करेंगे, इसको डिस्टेंस में लिखता हूं x, x डिस्टेंस पे जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी दैट इज v डैश नई वाली कितनी बनी, 0 बनी, जैसे बोला वैसे अपन डिजाइन कर रहे हैं. हाउ मच फर्दर इट विल पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट अज्यूमिंग दैट इट फेसेस कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस टू मोशन. अब कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस मतलब क्या, अपोज कैसा हो रहा है, कॉन्स्टेंट हो रहा है. अब ये उसने क्यों बोला होगा कांस्टेंट रेजिस्टेंस करके, क्योंकि उसका डिटार्डेशन भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा. रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट कैसा होगा. ठीक है, अब मान के चलो ब्लॉक पहले वुडन से बना रहा, अंदर अंदर जैसे जैसे जाए वुड उसका हेवी डेंस हो रहा है तो उसका अपोज भी कैसा होगा, ज्यादा हो सकता है, तो उसका ए जो होगा वो कैसा होगा, वेरिएबल. और हम जो काइनेमेटिक का इक्वेशन इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए. आई बात समझ में, तो जिसके वजह से ये वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्लियर है, तो ए हमारा कांस्टेंट है। अब बताइए यहां पे आपको क्या निकालना है, कितने दूरी पे जाके तो एक्स निकालना है बेटा, क्या निकालना है एक्स, दिख रहा है क्या? तो पहले यहां पे बताइए क्या क्या चीजें दी हुई थी, यू दिया है पहले कंस में, उसके बाद वी दिया है, यू दिया है, वी दिया है और एस दिया है, तो कौन सा वाला इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे? ए तो दिया नहीं है, ये तो होता ही अभी यहां पे है ही नहीं, तो हम लोग ए निकालना पड़ेगा पहले, तो ये इंसिडेंस इसलिए दिया है कि आप ए निकालो। तो मैंने हमेशा बोला है जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो मैं जैसे लॉजिक इस्तेमाल करता हूं वैसे लॉजिक में आपको ही पढ़ाऊंगा, तो मैं जैसे सोचता हूं उसी प्रोसेस से आपको सोचना पड़ेगा, बात समझ में आई? तो इसको बोलते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी मैचिंग, और फ्रीक्वेंसी मैचिंग को ही बोला जाता है रेजोनेंस, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस का कंसेप्ट क्या है। अरे बात समझ में, अब बताइए कैसे करेंगे, तो हम लोग ये इंसिडेंस लेंगे बेटा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, फाइनल कितनी है u बाय 2, डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर, तो कौन सा वाला इस्तेमाल करेंगे काइनेमेटिक का, बोलो थर्ड इक्वेशन, चलो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, बराबर है, v स्क्वायर मतलब कौन सा, u बाय 2 का स्क्वायर, दैट इज u स्क्वायर बाय 4, u स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू s की वैल्यू कितनी 3 इंटू a, सेंटीमीटर में रहने दीजिए क्योंकि आपका फाइनल आंसर भी किसमें है सेंटीमीटर में, ध्यान से सुनिएगा, लिखना नहीं है पहले तो समझ लीजिए, फिर यू स्क्वेयर इधर आया क्या बना, कितना बना यू स्क्वेयर बाय 4 माइनस यू स्क्वेयर। अब देखो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिटार्डेशन है बेटा, तो ये जो एक्सेलरेशन रहेगा ये कैसा होगा माइनस, तो यहां पे क्या साइन आएगा माइनस, ठीक है, तो एक काम करेंगे अपन, ये पूरा 3 इंटू 2 इज हाउ मच 6a उधर जाएगा और यू स्क्वेयर बाय 4 इधर आएगा, तो क्या बना ये बोलो 6a इक्वल टू यू स्क्वेयर, ये प्लस का बनेगा माइनस यू स्क्वेयर बाय 4, 4 वन जा 4, 4 माइनस 1 3, तो कितना बना 6a इज इक्वल टू 3 यू स्क्वेयर बाय 4, यहां तक समझ में आया, दैट इज 3, 2 जा 2 नीचे आया कितना बना a इज इक्वल टू यू स्क्वेयर बाय 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ये बना एक्सेलरेशन। आई बात समझ में, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब देखो फाइनल वेलोसिटी x निकालनी है, a भी है v भी है, v मतलब कौन, अभी क्या v क्या बनेगा u बनेगा उसके लिए सेकंड वाले इसके लिए, तो बोलो कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे फिर से थर्ड नंबर का, बोलो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, बहुत बढ़िया, v मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी बनी बेटा 0, इनिशियल कितनी है इनिशियल देखो u बाय 2, सेकंड केस होना है ना, u बाय 2 मतलब कौन सा u स्क्वायर बाय, हाँ u स्क्वायर बाय कितना है u स्क्वायर, अच्छा u स्क्वायर बाय 4, हाँ रिटार्डेशन हो रहा है माइनस 2 इंटू a, a की वैल्यू कितनी u स्क्वायर बाय 8 इंटू s के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं x, तो ये माइनस टर्म उधर लेके जाओ तो क्या बनेगा बोलो ट्वाइस u स्क्वायर बाय 8 इंटू x इज इक्वल टू इधर बचा है u स्क्वायर बाय, तो u स्क्वायर गेट 2 4 जा 4 4 तो x की वैल्यू कितनी 1 सेंटीमीटर, कितना होगा तो पहले कितना गया 3 उसके बाद कितना जाएगा 1, तो आंसर कौन सा मिला बी। आ रही बात समझ में, इस तरह से आपके आंसर्स निकलेंगे, क्लियर हो गया? सो ये रहा क्वेश्चन एक आपके सामने, पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड एंड बैकवर्ड एक्सेलरेशन कितना दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी दी बेटा कितनी ऑब्जेक्ट की, दैट यू इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ध्यान से सुनना सेकेंड सॉरी, और इसका एक्सेलरेशन दिया है डेट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैं इसको लिखता हूं माइनस में क्योंकि उसका क्या है रिटार्डेशन का प्रोसेस दिया, तो ऑब्वियसली बात है जब आपका ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड पकड़ के चलेगा तो आगे ही बढ़ेगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी कितने से डिक्रीज हो रही है, तो एक समय आके वो क्या होता है रुक जाएगा, ठीक है। आपको पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड, डिस्टेंस इन 5 सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड, तो डिस्टेंस इन 5th सेकेंड, चार चीजें पूछी है, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे हम लोग अगर पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग नंबर वन तो कौन सा काइनेमेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, सेकेंड वाला, बराबर है एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, चलेगा ठीक है, क्योंकि आपको देखो यहां पर टाइम भी दिया है दैट इज 5 सेकेंड के लिए और उसके पास आपकी इनिशियल वेलोसिटी भी है, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं दैट s इज इक्वल टू u की वैल्यू रही 9, t की वैल्यू है दैट इज 5, यहां पे मैं लिखूंगा माइनस y बिकॉज ये माइनस सामने आ जाएगा, दैट इज हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर इज 25,
बराबर है, 2 से 2 क्या हुआ कैंसल, दैट इज 45 माइनस बनाइए कितना 25, कितना बनेगा 20 मीटर, ये आपका मिलेगा क्या एस बार, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड। ओके सेकंड देखो, डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड, तो नंबर 2 रहा ठीक है, तो 5th सेकंड वाला मतलब कौन सा है nth डिस्प्लेसमेंट, आपको कॉन्सेप्ट पता है nth वाला, तो अभी मैंने सीखा दैट इज s nth, तो कौन सा वाला s 5th वाला इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप लोग, क्या था फॉर्मूला, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी u प्लस हाँ a बाय 2 इन ब्रैकेट ट्वाइस n माइनस 1 ठीक है। बस अब यहां पे u की वैल्यू पुट अप करेंगे 9, उसके बाद यहां पे आएगा माइनस लिखेंगे बेटा, सामने आ जाएगा माइनस, a की वैल्यू रही कितनी 2 बाय 2 दैट इज 2 इंटू एन की वैल्यू कितना पुट करेंगे 5 दैट इज 5th सेकंड माइनस 1, तो इक्वल टू 9 माइनस ये 1 रहा, 2 5 इज 10 माइनस 1 इज 9, अब यहां पे आंसर मिलेगा 0। देखो अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 20 मीटर का और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है 5th सेकंड में कितना 0 ठीक है। इसके ऊपर चर्चा करेंगे क्या चीज हो रही है, देखो ध्यान से देखना, और यही चीज आपको लीड देती है किसके लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए और डिस्टेंस इन 5th सेकंड निकालने के लिए ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, अब हो क्या रहा है पूरा देखो, टाइम कितना लगा स्पैन देखो, पूरा सेकंड आपका लगा है 5। मैं यहां पे काइनेमेटिक का देखो बेटा फर्स्ट इक्वेशन इस्तेमाल करके देखता हूं कि टाइम एक्चुअल में इनिशियल और फाइनल के लिए कितना लगता है, दैट इज वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी। यदि आपके पास पूरे प्रोसेस में फाइनल वेलोसिटी 0 बनती है, कितनी बनती है 0, तो ये 0 इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है बेटा बोलो 9 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू टी में पकड़ के चलता, हमको नहीं पता टाइम फाइनल वेलोसिटी कितनी, टाइम के बाद 0 बनती है, तो आपके पास कितना बना दैट इज ट्वाइस टी इधर आएगा इक्वल टू 9, तो टी की वैल्यू कितनी मिलेगी 4.5 सेकेंड, कितना 4.5। अब देखो ध्यान से देखना, जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट आपकी वेलोसिटी बढ़ाती जाती है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा मिलता है आपको, पॉजिटिव मिलता है बराबर है, तो आपका ऑब्जेक्ट सीधे ही डायरेक्शन पे चलते जाएगा, देर इज नो रिटर्न, देर इज नो एनी चांस ऑफ रिटर्न बैक बराबर है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा हो और उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसा होता है नेगेटिव, मतलब ये इस डायरेक्शन पे शो करेगा, इसका मतलब ये चांसेस है बेटा याद रखना है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा जाएगा एक जगह पे आके, ये ऑब्जेक्ट क्या होगा जाएगा यहां से निकला यहां तक जाएगा क्योंकि इसके पास क्या थी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा थी, यहां पे जाएगा यहां पे क्या होगा उसका फाइनल वेलोसिटी कितनी बनेगी 0, लेकिन क्या है उसकी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन के वजह से क्या होगा ये फिर से रिटर्न होगा और इस डायरेक्शन पे आने के लिए ट्राई करेगा और फिर से इसकी वेलोसिटी अब क्या हो जाएगी बढ़ती जाएगी। और ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको कहां पे सिखाया याद होगा चेज वाले कंसेप्ट में सिखा, ओवरटेकिंग वाला कंसेप्ट, तो ये वाले कंसेप्ट तब अराइज होते हैं जब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी हो अपोजिट हो, आई बात समझ, मतलब रिटार्डेशन का कंसेप्ट आए तब। अब ध्यान से देखना फिर से एक बार, डिस्प्लेसमेंट बता रहा है 20 मीटर और उसके लिए टाइम कितना लगा 5 सेकेंड, 4.5 के इसके अकॉर्डिंग काइनेमेटिक के इस वाले इक्वेशन के अकॉर्डिंग कितना टाइम लग रहा है 4.5 सेकेंड बराबर है, तो 4.5 सेकेंड में मतलब मान के चलो कहीं यहां पे बराबर है, इसको अपन नाम देंगे, मान के चलो इसको अपन नाम देंगे ए, ये 4th सेकेंड का, इसको नाम देंगे बी और इसको नाम देंगे अपन सी, ये रहा आपका 4th सेकेंड और मैं इसको नाम देता दैट इज 4.5th सेकेंड, क्या लिखा मैंने तो 4.5 मतलब सी पॉइंट पे क्या हो रहा है गाड़ी आपकी बंद हो रही है, मतलब आपका ऑब्जेक्ट गया यहां पे जाके रुका तब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी बनी 0 बनी, फिर उसके बाद क्या हुआ ये रिटर्न हुआ, रिटर्न इन द सेंस उसी जगह पे रिटर्न हुआ और इस डायरेक्शन पे जा रहा है, मैं बस निकालने के लिए इधर निकाल रहा हूं चलेगा, और उसके बाद यहां तक कितना टाइम लगा उसको दैट इज 0.5, तो देखो 4 सेकंड के बाद इसको यहां पे 0.5 सेकंड लगा, यहां पे मतलब 4.5 सेकंड पे क्या हुआ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 बनी और वापस वो रिटर्न हो रहा है बराबर है, यहां तक समझ में आया हाँ, देखो आपके यहां पे क्लियर कट मिलता है। अब देखो यहां से ये वाला टर्म समझ में आता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना 0 मिला, कौन से सेकंड में 5th सेकंड में, 5th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्यों 0 मिल रहा है, 4 सेकंड तक यहां पे ऑब्जेक्ट आया तो ये डिस्टेंस उसने कितना कवर किया हमको नहीं पता, लेकिन यहां से देखो आधे सेकंड में यहां पे गया, 5th सेकंड की बात कर रहे हैं, 5th वाला मतलब समझ में ना 1 सेकंड है ना, तो 5th वाला सेकंड मतलब कौन सा रहा 4 के बाद वाला, तो 1 सेकंड के
ईस्टर्न में 0.5 सेकंड वो यहां पे गया और 0.5 सेकंड यहां पे आया, तो ये फिफ्थ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना रहा? जीरो। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजिशन का बीच का डिस्टेंस, तो इनिशियल भी यही रहा वापस गया, फाइनल भी वही रहा, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना मिला? जीरो। अब समझ में आया, क्लियर हो रहा कंसेप्ट? बहुत बढ़िया, क्लियर है। इसका मतलब सर कि 5 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो सिर्फ इतना है, ये कितना है? 20 मीटर। नहीं समझे? कितना ही है? क्लियर हुआ कंसेप्ट? कितना मीटर? 20 मीटर, क्योंकि यही डिस्प्लेसमेंट है। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में गया, 4 सेकंड गया, 0.5 वापस आया, 0.5 कितने सेकंड, तो ये रहा आपका कौन? डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब आगे देखो, डिस्टेंस इन 5 सेकंड, 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? डिस्टेंस क्या होता है? दैट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, या फिर टोटल पाथ, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। एक्चुअल पाथ में कितना हुआ? ये 20, ये कितना? 0.5 तो टाइम हुआ बेटा, आपको निकालना पड़ेगा, बराबर है? ये 20, उसके बाद ये कितना, तो आपको निकालना पड़ेगा, बराबर है डिस्टेंस? तो कैसे डिस्टेंस निकालोगे? तो ये आपके पास टाइम है, ये वाला भी टाइम है, तो अपन एक काम कर सकते बेटा, कौन सी चीज, इसके पास क्या है बोलो, ये वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी है? जीरो यहां पे हुई, बराबर, इतना डिस्टेंस निकाल सकते अपन, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या आपके पास क्या दिया है? टाइम दिया है, कितना है टाइम? 0.5। रिटार्डेशन अभी देखो, इस डायरेक्शन पे जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ाते जाएगा, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन तो ए भी है, ए की वैल्यू कितनी आपके पास, कितना पुट अप किए थे? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वी भी है, वी मतलब इनिशियल पकड़ के चलो इस प्रोसेस के लिए, तो मैं इस्तेमाल कर सकता हूं कौन सा इक्वेशन एस निकालने के लिए? थर्ड इक्वेशन चलेगा, या फिर आप कौन सा इस्तेमाल कर सकते, सेकंड इक्वेशन भी, बोलो, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो यू मतलब इसके लिए, इसके लिए इनिशियल, तो यहां पे बॉडी कितनी थी? जीरो पे, तो ये जीरो प्लस कितना बना? हाफ इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 2 लिखनी पड़ेंगे क्योंकि वापस आ रहा ऑब्जेक्ट, 2 इंटू टी स्क्वेयर। टी कितना लगा? 0.5 का स्क्वायर कितना बनेगा रे? 0.5 दैट इज 25, तो दो पॉइंट रखेंगे मतलब 0.25, 2 to get, तो कितना डिस्टेंस चल रहा है? दैट इज 0.25, तो ये कितना डिस्टेंस हुआ? ये 0.25 मीटर, सेंटीमीटर, मीटर, वॉट एवर आया। तो अब हमको मिलेगा यहां से डायरेक्ट आंसर, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला? ये कितना हुआ? 20, ये कितना है? 0.25, तो ये भी कितना होगा? 0.25, क्योंकि इक्वल है, तो टोटल डिस्टेंस कितना मिला, इसका आंसर कितना मिलेगा? दैट इज 20.25 प्लस 25, दैट इज 0.5, तो कितना बनेगा? 20.5 मीटर आया आंसर। अब आएगा डिस्टेंस इन फिफ्थ सेकंड, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं फिफ्थ सेकंड में, तो भी क्लियर हो जाता है कितना डिस्टेंस चलता है, ये है ना, ये 0.25, तो कितना डिस्टेंस चलेगा? 0.5 मीटर आया। लॉजिकल है या नहीं है? तो ये लॉजिक अपना क्लियर होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या और डिस्टेंस क्या। देखो, जब भी कभी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन में हो, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होता है, बिल्कुल दिमाग में डाल के रखना। कौन सा चीज बोला मैंने? पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा, लेकिन रिटार्डेशन हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या करेंगे? अलग अलग हो सकते हैं। बात समझ में आई? इसको दिमाग में डाल के रखिएगा बेटा, क्योंकि आगे जाके आपको ये तकलीफ दे सकता है ये वाला कंसेप्ट। क्लियर है? नीट और जेई वाले बच्चों ने अपने दिमाग में डाल के रखना है। उसके बाद आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, कौन सा है? बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकंड एंड 20 मीटर इन फोर्थ सेकंड। क्या दिया है? एस की वैल्यू दी है, कौन सी वाली? एस की वैल्यू दी है, एस इन सेकंड इज इक्वल टू फॉर्मूला बोलो बेटा, यू, बोलो, यू प्लस ए बाय 2 इंटू 2 n-1। तो क्या लिखेंगे सेकंड के लिए? इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है क्या? नहीं है, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं यू प्लस जो जो चीजें मेरे पास दी है वो चीजें लिख लेंगे। कितनी है बेटा बोलो? इसकी वैल्यू कितनी? 12 सेकंड है, मतलब कितना? ए बाय 2 इंटू 2 कितना बना? 4 - 1 = 3, इक्वेशन नंबर 1। फोर्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस चल रहा है? 20 मीटर, तो कितना लिखा मैंने? 20 इज इक्वल टू यू प्लस, बोलो, 20 इंटू 2 40 माइनस 1, तो क्या बना? ए बाय 2 इंटू 39, इक्वेशन नंबर 2। क्या हुआ? फोर्थ सेकंड है ना, तो क्या बना? 4 इंटू 2 8 माइनस 1,
तो क्या बना, 7 ए बाई टू, और ये रहा आपका 20। दो इक्वेशन बने। अब ध्यान से सुनना क्या पूछना चाहता है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकेंड। ध्यान से सुना, 4 सेकेंड आफ्टर 5th सेकेंड, 5th सेकेंड के बाद 4 सेकेंड। सेकेंड मतलब कौन कौन से वाले सेकेंड तक, 9th सेकेंड तक। इसका मतलब क्या, मैं ऐसे बोलू दैट डिस्टेंस अप टू द 9th माइनस डिस्टेंस अप टू द 5th, मतलब 4 सेकेंड अगर बोल रहा है, इसका मतलब ये कि 5th सेकेंड के बाद कहां तक चल रहे हम लोग, 9th वाले सेकेंड तक। तो ये रहा S9 माइनस S5। ओके, तो अब देखिएगा इसका हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन, क्या इस इक्वेशन में हम लोग सर S9th वाला इक्वेशन ऐसे लिखे कि जैसे मान के चलो यू प्लस ए बाई टू ट्वाइस एन माइनस वन, एन के जगह पे हम लोग 9-1 यूज करके हम लोग सॉल्व करें, बिल्कुल नहीं बेटा। अब यहां पे हमको क्या करना है कि बेसिकली वो हमारे काइनेमेटिक इक्वेशन इस्तेमाल करना है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये बनता है इक्वेशन S9 - S5 इज इक्वल टू दैट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, किसके लिए, 9th के लिए, और ये भी 9 सेकेंड के लिए, माइनस होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये कौन सा वाला टाइम, 5th वाला, और ये कितना सेकेंड, 5th सेकेंड। तो अब क्या करेंगे बेटा, वैल्यूज पुट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी बोलो कितनी बनेगी आपकी, u की वैल्यू कितनी है हम लोगों ने निकाली, दैट इज 6 × t टाइम 9 सेकेंड के लिए, दैट इज t, कितना पुट किया हम लोगों ने, 9 + 1/2 × एक्सेलरेशन कितना मिला, 4 × 9 का स्क्वेयर कितना बनेगा, 81 माइनस इन ब्रैकेट इनिशियल फील्ड से हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे 6, टाइम रहेगा आपके लिए 5 + 1/2 रहेगा, टी ए रहेगा कितना 4, और आपका रहा ये 25। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे, दैट इज 54 बना प्लस 2 × 2 = 4, और यहां पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 = 2 और 162, ठीक है, माइनस यहां पे देखो ये बनेगा 6 × 5 = 30 प्लस 2 × 2 = तो ये बना आपका 225 × 2 = बनेगा आपका 50 बेटा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग करेंगे एडिशन, अभी बोलो फटाक से, 162 प्लस 54 कितना बनेगा, बोलो 4 + 2 = 6, 6 + 5 = 11, 7 ये ऊपर गया 1, दैट इज 112, दैट इज 216 माइनस ये रहा आपका कितना 80। तो 80 अगर हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं बेटा 216 से, तो 216 माइनस 80 करेंगे, 6 आया नीचे और आपका 11 से 8 गया, बचा कितना, दैट इज 3, और ये रहा आपका 36, दैट इज 136 इतना डिस्टेंस चलेगा किसके बाद, 4 सेकेंड के बाद, 5th वाले इंसिडेंट्स के बाद।